हाँ जुमाती, सब ठीक है ना? नमस्ते भाभी। नमस्ते, सब ठीक है ना? सब ठीक है, सब बढ़िया है। आपको एक अच्छी खबर देने के लिए फोन किया है। क्या? अभी बस आपकी प्रार्थनाओं का फल है भाभी कि मेरे एक इवेंट ऑर्गेनाइजर के नीचे जी ना, वो मुंबई में काफी मशहूर हीरो बन जाए बता रहे थे कि महालक्ष्मी की तरह कई केस ने सक्सेसफुली हैंडल किए, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि लक्ष्मी को कल तुम्हारी मुंबई लेके चल जाऊँ। चार दिन की तैयारी होगी। आप अच्छी खबर सुनाई आपने दामाद जी, माता रानी की कृपा से मेरी लक्ष्मी भी उनके इलाज से ठीक होकर ही लौटेगी। जी भाभी, होपफुली लक्ष्मी करवा चौथ तक धरना और बोलना भी शुरू कर देगी। और लक्ष्मी को देखा उसने और बोला, बोलने लगेगी तभी तो बता सकेगी कि उसे गिफ्ट क्या चाहिए। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने दामाद जी, गिफ्ट का नाम सुनकर तो कोई भी लड़की बोल पड़ेगी। चलिए मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगी कि मेरी लक्ष्मी भी उनके इलाज से बिल्कुल ठीक हो जाए। मुंबई जाकर उसका इलाज अच्छे से हो जाए। अजीत जी, बड़े मंदिर से प्रसाद आता है, ले लीजिए। लक्ष्मी आपसे मिलने रानी ने मैदान में क्यों आई? क्या बात भी कर रहे थे उनसे? वो चिंता में लग रहे थे आप, मैंने देखा था। हाँ, उसके बाद आप खैर पता नहीं क्या बात हो गई। लक्ष्मी सामने जी से शादी भी नहीं कर रहे, फिर वो आपसे मिलने क्यों आए? आपको ना उनसे दूरी रहना चाहिए। बिल्कुल सही कहा, मुझे ना उनसे दूरी रहना चाहिए। थक गया हूँ लोगों के नाटक से, माते से ना अपना स्ट्रेस खत्म नहीं हो सकता। कहा मैं दूसरों को बचा लूंगा? वो स्वामी और दक्ष का प्रेम, इसीलिए दक्ष मुझसे मिल रहे हैं। मुझे कह रहा था कि स्वामी से कहूँ कि वो शादी ना बताओ उनके झमेले में मैं क्यों पड़ूँ? मेरे भी साफ साफ कह दिया यार, तुम्हारा मामला है तो मुझे कुछ करना। मुझे भी बहुत बड़ा सोसाइटी में पहली बार इतना बड़ा मौका, श्री राम बनकर राम का दर्शन करने का मौका सबको नहीं मिला। क्या ऑफिस से बॉस का कॉल है जर्मनी के क्लाइंट के साथ उन्होंने फोन कॉल लगा, बहुत शोर था इसलिए मुझे फोन नहीं मिला।